सही बात है तुम्हारी। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप भागीरथ कार्य में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सर कहाँ? सर अभी भी जाके से रहिए ना प्लीज। रिक्वेस्ट, मैं हूँ ना जो तय। मैं तो आप रह तो सकते हैं सर, मैं साथ में तो खड़ा हूँ। बीच में आइए ना। नहीं नहीं, जो कार्यक्रम तय है उसके अनुसार काम करो। सभी आ जाइए, आइए आइए सर, बीच में तो रहिए प्लीज। इतना तो मान लीजिए गुरु जी प्लीज। तभी ऐसा हमें जब आपके हम कॉलेज से तब चले गए, अब पहली बार आप यहाँ बहुत बहुत बधाई और युवा नशे की ओर जा रहा है, आपको ऐसी चीजें कर रही है तो बहुत मतलब जबरदस्त बात है। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। आइए बच्चों, आप लोग भी तो आओ। आपकी मेरे ख्याल से घोड़े में तो ये पहला मैं जुड़ा हूँ। 45 साल मुझे यहाँ, 44 साल पढ़ाते हुए हो गए, 5 साल रहते हुए हो गए। सर इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ में, ये सबसे बड़ी बात है सर। 50 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन सर मैं बहुत बहुत जरूरत है, और इसको हम जितना हमसे हो सकेगा मतलब हम अपनी तरफ से भी पूरा सपोर्ट करेंगे, और ऐसी चीजें होनी चाहिए समाज में। सबसे जरूरी बात है ना, ना पूरा बिल्कुल पूरा आओ कंचन। सर ये तो वैसे मतलब जैसे मैंने बुलाया था, तो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो रीडिंग टाइमिंग क्या आप रखेंगी इनका, बच्चों का? ये 24 hours ओपन रहेगा सर। अच्छा। 24 hours ओपन रहेगा। अच्छा। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों को नाइट में पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो उनके लिए ऐसा है कि नाइट में भी हम यहाँ पे ओपन रखेंगे, वो लोग ग्रुप में आए अपना पढ़ाई करें। अच्छा। तो ये 24 hours मतलब 24 घंटे हर व्यक्ति मतलब कोई ना कोई जो है। हाँ, स्टाफ जो है मतलब रहेगा इस बिल्डिंग में। आप इस बिल्डिंग में जब भी आप आएंगे, चाहे आप किसी टाइम में आए, रात में आए, दिन में आए, आपको यहाँ पे बच्चे प्रॉपर पढ़ाई करते हुए मिलेंगे। एक प्रॉपर यहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट होगा, डे हो या नाइट। ये आइडिया कहाँ से आया आपके उसमें मस्तिष्क में? ये आइडिया दरअसल मेरे हस्बैंड हैं जो अजय ओली जी। हाँ, उनकी बहुत नाम सुना। तो उनकी लाइब्रेरीज है ऑलरेडी पिथौरागढ़ में।
एंड कब से शुरू की आपने? उन्होंने किया था 2016 में स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ वहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे अल्मोड़ा में मुझे ऐसा एनवायरनमेंट, खासकर नीचे यहाँ पे खतियाड़ी में, ऊपर तो मैंने सुना है लाइब्रेरीज हमारे पास, लेकिन जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा रहता है, मास यहाँ पे बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स का, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं था, ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे है हमारी कॉलेज लाइब्रेरी है, लेकिन उनकी टाइमिंग फिक्स रहती है, सुबह से शाम का उनका दस से चार रहता है। और बच्चे बता रहे थे वहाँ पे मतलब बुक्स वगैरह भी इतना नहीं है, क्योंकि जो पुरानी बुक्स है वही है बता रहे थे। नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या होता है, हर महीने मंथली मैगजीन्स आती है, अगर वो मंथली मैगजीन्स बच्चे को न मिले तो बच्चा अपडेट नहीं रह सकता। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर्स, मंथली जितनी मैगजीन्स आ रही हैं वो भी रखेंगे, एंड जो बच्चे का सीमित टाइम है कि 10 से 4 ही वो पढ़ पाएगा लाइब्रेरी में, ऐसा ना हो के बच्चा जो है नाइट में भी यहाँ पे पढ़ पाए, ऐसा हमने सोचा और ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया। पिथौरागढ़ में क्या वो है रिस्पॉन्स है? पिथौरागढ़ में काफी अच्छा से जब आपने शुरू किया तो ये तो 7 साल हो गया। तो पिथौरागढ़ में काफी अच्छा रिस्पांस है, बच्चे हमारे जो है नाइट नाइट में बैठ के भी पढ़ाई करते हैं, पूरा ग्रुप स्टडी। कितने बच्चों का सेटअप है वहाँ पे? है लगभग 600 के आसपास बच्चे वहाँ पे हमारे पास आते हैं। हाँ, तो 600 के आसपास बच्चे आता है, और बच्चे मतलब इतने मेहनती है की मतलब कई सारे बच्चे हमारे बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, पटवारी के हो गए, IAS तक बच्चों ने क्रैक किया है वहाँ पे पढ़ाई कर करके। तो क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे जब इंसान को बिजनेस मॉडल इंसान सोचता है कि बिजनेस करे किसी चीज का, तो या फिर होटल कैफे या ऐसी चीजें सोचता है, कोई भी स्टडी को लेके ऐसा नहीं सोचता कि एक ऐसा जगह भी बनाया जाए जहाँ पे बच्चा रात भर पढ़ पाए। होटल मतलब सोचे जाते हैं, कई बार आपने देखा क्लब वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे नाइट में भी आपको एक्सेस मिलता है, लेकिन ऐसा कोई पढ़ाई को लेके नहीं सोचता कि बच्चा ये भी सोच पाए कि अरे नाइट में भी कहीं बैठ के पढ़ाई किया जा सकता है, नाइट में भी ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है। बहुत बच्चे, तो बहुत बहुत यही कॉन्सेप्ट है। कल जब तुम पर्चा बांट रही थी मेरी समझ में आ गया था कि ये लड़की जो है बहुत मेहनत वाली है, क्योंकि जो खुद अपने काम के लिए पर्चा बांट रही हो उसी से अंदाज लग जाता है कि भाई उसका क्या मोटो है और क्या आगे, अन्यथा आप किसी लड़के से कहिएगी या पर्चा बांटो सही बात है, आप फैक्ट डाल पैसे देके वो चीज करवाई जा सकती है, 2-2 रुपए देके सबको पर्चा बांट। बहुत अच्छी दिक्कत, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। देख जी कुछ कहो भाई, बोलो आप तो शुभकामना के वो बताइए, आप बोलिए, इतने लोग हैं सामने। सबसे पहले तो दीदी चंद्रा जी आपको और आपके पति जो अजय राय अजय ओली जी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ हैं उनको भी तो बुलाइए प्लीज, उनको सामने बुलाइए, सामने रहिए आप। अरे इतने सबको ज्यादा चंद्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ कुछ ऐसा माहौल बने, और दूसरी बात ये कि आपने मेरे को और साथ साथ हमारे पूरे संगठन टाइगर ग्रुप को यहाँ बुलाया, उसके लिए दिल की हैराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ मैं। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि अधिकतर विद्यार्थी या हम में से भी काफी सारे ऐसे होते हैं जो बाहर से आके पढ़ने के लिए आते हैं, हम लोग यहाँ रेंट लेके रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं हमारे किराए में रेंट में साथ में पार्टनर के साथ, तो हमें एक ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि वहाँ जो हम वहाँ पढ़ सकें या हमारी ऐसी प्रॉपर पढ़ाई हो सके, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है पढ़ने वाला। तो आपने यहाँ एक तो कैंपस के नज़दीक काफ़ी अच्छा यहाँ ये मतलब लाइब्रेरी खोला, तो काफ़ी अच्छा माहौल है या काफ़ी अच्छा चीज़ सोचा, जिसमें ये होगा कि आने वाले भविष्य में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ आगे भी बढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चों के इससे फ़ायदा भी होगा। और दूसरी चीज़ है कि किताबें हमारे जीवन का आधार है, और ये हम कहते ना कि किताबें हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, ज़िंदगी में हमारे साथ हर कोई छोड़ देगा लेकिन किताबें और उससे मिलने वाला ज्ञान जो है वो हमेशा हर परिस्थिति में हमारा साथ देगा। तो कहीं पे भी अगर कुछ भी और भी हमारे हमसे जो जो भी हो पाएगा हम वो सारी चीज़ें करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए, जितना हमसे हो सकता है हम हमेशा आपके हर संभव मतलब हर कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे, और थैंक यू सो मच। आगे वाली पीढ़ी को भी आप बताते जाओगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अगली पीढ़ी को भी आप बताओगे? आज जब सुबह मैंने मतलब कल भी जब मैं लोगों से बात कर रही थी कि हम इनॉग्रेशन यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, और सुबह भी जब मैं दुकानों में जा रही थी कि आइएगा 12 बजे से इनॉग्रेशन है, तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि रिबन कटिंग के लिए किसे बुला रहे हैं, कोई नेता आ रहा है या DM आ रहा है या SDM आ रहा है, कौन आ रहा है। तो
मैंने कहा वो आ रहा है जो छात्रों के लिए अभी काम कर रहा है, क्योंकि जो अभी क्योंकि देखिए यूथ के लिए हमने यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाएंगे, ऐसे आइकन को हम यहाँ पे बुलाएंगे जो ऑलरेडी यूथ के लिए ही काम कर रहा है, जो यूथ के लिए ही काम कर रहा है, और जो क्योंकि देखिए ये ग्राउंड बेस पे होने वाले काम है, बड़े बड़े काम तो होते रहते हैं। कुछ और चीजें भी बताइए, आपका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर मेरा मतलब कि आपने 149 कुछ फी रखी है, हाँ जी हाँ जी, वो किस चीज की है, काहे की है, कितने समय के लिए है, वो भी बताइए। वो 149 हमारा 1 आवर के लिए पर मंथ, अगर कोई बच्चा पूरा महीना 1 घंटा यहाँ पे लाइब्रेरी आना चाहता है और मंथली मैगजीन्स पढ़ना चाहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स पढ़ना चाहता है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, तो 149 में भी वो 1 घंटा आगे यहाँ पे आराम से अपना पढ़ाई कर सकता है। फ्री वाईफाई भी उस टाइम पे उसको मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप एक डेली न्यूज़पेपर भी बच्चा अपने घर पे लगाएगा ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका 600-700-800 रुपये का न्यूज़पेपर में ही खर्चा आ जाता है। फिर उसके बाद मंथली जो मैगजीन्स अगर उसने खरीदनी है तो 400-500 रुपए का उसमें भी खर्चा आता है कहीं ना कहीं, तो बच्चा मतलब सीमित रह जाता है संसाधनों के उसमें, तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि 149 में भी बच्चा अगर यहाँ पे आएगा तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएगी। उस बच्चे के अलावा दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है? हाँ जी हाँ जी, आप भी आ सकते हैं, अगर आपको देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। 149 का रजिस्ट्रेशन आज हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन शुरू करिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड मुझे ये भी कहना है सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिस बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे अपनी बातों को रखा है और बहुत सारी चीजें हमसे भी बुलवाई हैं, एंड आप लोगों का सबसे ज्यादा धन्यवाद है। जैसे कि भाई आपने हमें तो बहुत छोटे इंसान है, पहली बार 10 वर्षों में पहली बार ऐसा कुछ है, और मैं चाहता हूँ आपसे सभी लोग आपका इंटरव्यू भी करें, हम चाहते हैं कि युवाओं के बीच आप आए, ये तो देखिए प्रोग्राम मीडिया के थ्रू जो है एक कभी आप करवा रहे हैं और जी ऐसा करना है मीडिया और और एक अपने गैदरिंग में वहाँ भी आप वो करवा जी जी बिल्कुल हर संभव को वैसे अपना मीडिया से होना करिए, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये हमने कल जब हमारे पास आई थी हमने सारी गैदरिंग के थ्रू जी जी, और आप बुला लेना वहाँ पे किसी इनमें से रिप्रेजेंटेटिव को, इनका भी अपना एक वो करा लेना वहाँ पे। एंड मैंने नितिन भैया से भी बात की थी ना, क्योंकि हम बेसिकली आपको पता है बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो पूरे पिथौरागढ़ में वही बंदा मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहा है, तो मैंने उनसे यही बोला कि यार जब हम पिथौरागढ़ में होते हैं तो रेगुलर हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं और बड़े अधिकारी लोग आते रहते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जब करना है तो मैम ने बोला कि ऐसे लोगों को बुलाओ जो वाकई में अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई, एक तो ये कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो आज का रिबन कटिंग करें, और दूसरा हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं शिक्षा को लेकर जो कि बहुत ही मिनिमम लाइक संसाधनों में पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, तो उसके लिए हम हर एक सेटअप के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर तैयार करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे इस पूरे के पूरे सेटअप के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आज यहाँ से निकल कर जाएं, ताकि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है जिस तरीके से आप समाज के हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही इस शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा लोगों तक पहुंचे, और ऐसे बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहें जिनकी उतना व्यवस्था अच्छी नहीं है स्पेशली स्कूल बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सब आपके माध्यम से होगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, तो हमारा सौभाग्य है ऐसा मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा सबसे मिलकर, थैंक यू बहुत बड़े आप तो हमारा पहला रजिस्ट्रेशन करा दो सर, यूनियन पोस्ट स्टूडेंट पहला बहुत बधाई ओके सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड, बट दिस इज रियली बहुत ही अच्छा इनिशिएशन, और पूरा मतलब यह है कि कैंपस के पास है, जैसे उन्होंने कहा कि बाहर के बच्चे आके यहाँ पर रह रहे हैं, वो जानते हैं परिचित हैं सर, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो मनकोटी सर राष्ट्रीय पहचान है अपने बैडमिंटन, बहुत अच्छा स्टेप रहा था और 24/7 कर रखा है, मतलब एंड बाकी सारा फैसिलिटी है सर, मतलब सारा बुक्स देंगे, किताबें देंगे, सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, अगर आप अपने ही सब रख के जाना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, मतलब फुल सिक्योरिटी
सारा सेटिस्फेक्शन, सारा मतलब परेशानी मुक्त एक एनवायरनमेंट जहाँ पे मजे कर सके। अभी ऊपर एक छोटा सा हम लोग रूफ टॉप कैफे भी स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ इन हाउस बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से वहाँ बैठे रिलैक्स करें, अपना लंच लें तो बैठ के लंच कर लें और धूप देखें इस ठंडी में थोड़ा सा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा अभी लाइक नेक्स्ट वन मंथ में स्कूल चला रहे हैं सर। पिथौरागढ़ में मैंने 2019 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने मिलकर, तो उस वक्त हम एक लाइब्रेरी से स्टार्ट किया था हमने, अभी वहाँ पे 5 लाइब्रेरीज है हमारा। अच्छा हाँ, पिथौरागढ़ में अभी बागेश्वर में एक काम चल रहा है और रानीखेत में काम चल रहा है। स्कूल का नाम द स्कॉलर्स एकेडमी करके स्कूल है, अभी टॉप 2 स्कूल्स में है वो पिथौरागढ़ के। डीएम की बेटी और हमारे एसपी सर के जो बच्चे हैं वो भी वहीं पढ़ते हैं, तो जितना भी सब लोग वहीं पे हैं। तो एजुकेशन फील्ड में कोशिश है कि बेस्ट सबसे कम में हमारा यही काम है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारी जो बच्चों को अडॉप्ट करते जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो उनका रहना खाना पीना सब हम ही लोग करते हैं। तो मेरे घर में भी मेरे लिए 8 बच्चे रहते हैं। चप्पल पहनना भी छोड़ दिए, चप्पल पहनना इसलिए अर्थिंग के लिए। मैं बाहर से आया ना, तो मैंने इनके नंगे पांव देखे, तो मैंने सोचा शूज उतार के जाना है, तो मैं शूज जैसे उतारने लगा, मैंने अंदर देखा सारे बच्चे तो पहने हुए हैं। आप डॉक्टर हैं इसलिए आपने शूज पहनना छोड़ दिया। इसी के लिए उन्हें इस बार अवार्ड मिला है, और इस बार मतलब शायद उत्तराखंड में एजुकेशन के क्षेत्र में से पहली बार है और 2021 में नेशनल यूथ अवार्ड वैसे एक बेयरफुट एक्टिविस्ट हूं, उन्हें चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि जब तक त्याग और परेशानियां जीवन में नहीं होंगी आप काम नहीं कर सकते। रहेगा ना सर, इसका एक साइंटिफिक रीजन है, आप तो डॉक्टर हैं, तो हर समय जो जिसकी पूरी बॉडी का जो है सर्कुलेशन, अगर अर्थिंग में आप रहेंगे तो आपका जो बॉडी है, अभी जो नए वो आ रहे हैं अध्ययन आ रहे हैं, तो वो वहाँ से संचालित और ऊपर से संचालित होगी। हम हर समय जो ये जूते और ये सब चीजें पहन के चलते हैं, तो उससे हमारा जो है धरती से जुड़ाव जो है कट जाता है। लगा 9 इयर्स हो गए मुझे, 9th ईयर इज रनिंग। ओके, ये एक ये हां ये मोर देन 1 लाख किलोमीटर जर्नी कर चुका हूं अराउंड द नेशन, 115 सिटीज, 7 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज, और नियरली मोर 4,50,000 से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूं किसी और से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं, आप दूसरे को दे सकते हैं। जो ये हम पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये यहाँ पे डेडिकेटेडली आप लोगों से भी कनेक्ट कर रही है, लोग बस पर्ची नहीं बांट रही, यहाँ का पूरा काम सफाई वाली नहीं है, रिसेप्शन में कोई नहीं है, सब खुद। तो ये एक प्रक्रिया है जैसे आप कह रहे हैं ना, तो हर दिन मैं भी जैसे इनसे सीख रहा हूँ, कुछ आपसे सीख रहा हूँ, और आप लोगों ने नाम सुना है लिटरली बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, बट वो बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे अभी मैं सर को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने बुलाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं साक्ष्य हो गया ऐसे लोगों से। सर के साथ मिलने के तो हमारा भी मतलब बहुत हुआ, क्योंकि जब शायद सर कॉलेज से जा चुके तो उस टाइम हमने कॉलेज में इंटरव्यू से आया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात हुई, तब इतना कम ऐसा हो नहीं पाया, और आज सर के साथ एक मंच साझा करना है, तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर का तो हिंदी भाषा में मैंने बुलाया सर को, तो मतलब बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ही सुंदर। और आपके बारे में ये बता रहे थे कि आप बैडमिंटन के उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, तो हमारे सब आप सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगा, एंड पहली मेंबरशिप भी सर की तरफ से आ रही है, तो इससे बड़ा शगुन हमारे लिए क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच आप आए सब लोग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे जाने, ये पूरे हमारे मतलब पूरे उत्तराखंड के बच्चे, बल्कि बाहर के भी बच्चे आए, कल के दिन ऐसी स्थिति बन जाए जिससे ये लगे कि हाँ भाई बाहर से भी बच्चे जो है उन्होंने कहा हमने वहाँ जाना है, ये हमारी शुभकामना। अब आप अपना वो रजिस्ट्रेशन वाला काम करिए, जिससे कि जो है
आइए देखते हैं। कहाँ पर होना है? आ जाओ कैसे जो लोग करा रहे हैं ना सबसे।